तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मैकडाउन लाइव की और क्या हुआ आज के शो में। तो अगर आप सारे रिजल्ट्स और हाइलाइट्स जानना चाहते हैं इस वीडियो को एंड तक देखते रहें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया क्लैश ऑफ चैंपियंस। में कुछ ही टाइम रह गया है और मैं यही कहना चाहूंगा कि मंडे नाइट रॉ से तो लाख गुना अच्छी थी आज की स्मैकडाउन लाइव। बिल्कुल बोर मैंने फील नहीं किया शो को देखते हुए और ऐसा लग रहा था कि काफी अच्छे पेस से जो है शो आगे बढ़ रहा है। अब इसकी स्टार्टिंग की बात करें तो रोमन रेंस बैक स्टेज होते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर वो क्या अपोलॉजी मांगेंगे या फिर नहीं डैनियल ब्रायन से। और रोमन रेंस कहते हैं कि इस चीज को हम जो है रिंग के लिए बचा के रखते हैं, मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता। उसके बाद कोफी किंगस्टन आ जाते हैं रिंग में और वो बात करते हैं किस तरीके से रैंडी ऑर्टन ने उनको अटैक करा था लास्ट वीक। और वो ये भी कंफर्म करते हैं कि क्लैश ऑफ चैंपियंस में उनका मैच जो है वो अब रैंडी ऑर्टन के साथ होने वाला है, तो एक और मैच ऑफिशियल हो चुका है। और उसके बाद रैंडी ऑर्टन बड़ी स्क्रीन पे आके 500 बार कम से कम कहते हैं स्टूपिड 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 कोफी किंगस्टन को। और मुझे अपनी वीडियो याद आ गई उस दिन बॉचेस वाली जहां पे हमने बात करी थी स्टोरी के बारे में, जब रैंडी ऑर्टन कोफी को स्टूपिड स्टूपिड कहते थे, तो ये भी चीज जो है वहां से उन्होंने उठाई है। और फिर रैंडी ऑर्टन एक लेटर पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि किस तरीके से कोफी किंगस्टन स्टूपिड नहीं है और रैंडी ऑर्टन को कोफी को तरीके से नहीं बोलना चाहिए। और उसमें बेसिकली कोफी किंगस्टन को छोड़ देने के लिए ऐसा कुछ लिखा हुआ था और वो जो लेटर होता है वो आया कोफी किंगस्टन के सन काय की तरफ से। और रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि अब मुझे अगर तुम्हारी फैमिली से मिलना है तो मैं सीधा उनके पास जाके उनको एक विजिट दूंगा क्योंकि मैं सेम होटल में रुका हुआ हूं जहां पे तुम्हारी फैमिली रुकी हुई है। और वो वहां से चले जाते हैं, कोफी किंगस्टन भागते हैं बैक स्टेज, उनको रैंडी ऑर्टन मिलते हैं, दोनों की आपस में ब्रॉल हो जाती है। लेकिन उसके बाद रैंडी ऑर्टन दे देते हैं कोफी को एक डीडीटी और एक बार फिर से स्मैकडाउन में स्ट्रांग दिखाया गया काफी ज्यादा रैंडी ऑर्टन को। और मैं अब यही सोच रहा हूं कि क्या क्लैश ऑफ चैंपियंस में एक बार फिर से रैंडी ऑर्टन हारेंगे मैच को या फिर नहीं, तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। उसके बाद हमें देखने को मिलता है किंग ऑफ द रिंग का मैच अली और बडी मर्फी के बीच में, जो कि अनडाउटेडली बेस्ट मैच था ऑन द शो। ये काफी अच्छा मैच था, बहुत सारे मोमेंट्स हमें इसमें देखने को मिले जहां पे ऐसा लग रहा था कि बडी मर्फी अली में से कोई भी मैच को जीत सकता है। दिस इज ऑसम चैंट भी हमें सुनने को मिली यहां पे, लेकिन एंड में 450 स्प्लैश लगा के जो है अली ने हरा दिया बडी मर्फी को। बहुत बढ़िया मैच था। मैच के बाद दोनों सुपरस्टार्स जो है आपस में हाथ मिलाते हैं और ऐसा लगता है क्लियरली कि स्पोर्ट्समैनशिप यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है और ये काफी अच्छी फ्यूड है जो हमें फ्यूचर में भी देखने को मिल सकती है। बड़ी मर्फी यहाँ पे हार गए, उनके लिए थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अली के लिए जो पुश है WWE आगे और ज्यादा उनको करने वाली है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि मिस बाहर आते हैं और बात करते हैं किस तरीके से अब सैमी ज़ेन जो है वो जुड़ चुके हैं शिंसुके नाकामुरा के साथ। वो कहते हैं कि सैमी ज़ेन अपने आप को कभी रिंग के अंदर प्रूव नहीं कर पाए और इस वजह से अब जो है वो नाकामुरा के लिए एक स्पोक्स पर्सन बन गए हैं। और उसके बाद सैमी ज़ेन बाहर आके मिस की एक बार फिर से इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस चैलेंज करते हैं सैमी ज़ेन को एक मैच के लिए। ज़ेन उनका चैलेंज एक्सेप्ट तो नहीं करते और बाहर आ जाते हैं, नाकामुरा पीछे से अटैक कर देते हैं द मिस को और दो बार उनको लगाते हैं किनशासा। तो ऐसा लग रहा है कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का जो मैच है अब नाकामुरा और मिस के बीच में ही होने वाला है और ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि इस फ्यूड को आगे WWE किस तरीके से यहां पे बुक करती है। उसके बाद हमें बेली और लेसी एवेंस का एक मैच देखने को मिला जिसमें कुछ ज्यादा खास नहीं था, ये ठीक ठाक मैच था। काफी समय बाद हमें लेसी एवेंस टीवी पर देखने को मिली है। शार्लेट रिंग साइड खड़ी थी इस मैच के समय और बेली काफी स्ट्रांग परफॉर्मेंस से इस मैच को जीत जाती हैं और शार्लेट को फिर वो देखती हैं एंड में। और ऐसा लग रहा है कि जो उन दोनों का मैच होने वाला है क्लैश ऑफ चैंपियंस में वो भी काफी इंटरेस्टिंग मोड़ लेने वाला है। उसके बाद हम बात करें गाइस तो रैंडी ऑर्टन और बिगी का हमें मैच देखने को मिलता है। अब जेवियर वुड्स इंजर्ड हो चुके हैं, कोफी किंगस्टन भी इंजर्ड हो चुके हैं, बारी आई बिगी की जिन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी ऑर्टन को हराने की, लेकिन द रिवाइवल की इंटरफेरेंस से एक बार फिर से रैंडी ऑर्टन ने भी बिगी को हरा दिया। और उसके बाद एक सुपर आरकेओ यानी कि शैटर मशीन को आरकेओ में कन्वर्ट करना, इसको अब सुपर आरकेओ बोला जा रहा है। रैंडी ऑर्टन और रिवाइवल मिलकर बिगी को भी अटैक कर देते हैं, उनको बचाने के लिए बाहर कोई नहीं आता, तो एक एक करके न्यू डे के सारे मेंबर्स को रैंडी ऑर्टन ने और रिवाइवल ने मिलकर डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ये चीज मुझे तभी बुरी लग रही है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोफी किंगस्टन अपना रिवेंज लेने में सक्सेसफुल हो जाएंगे और प्रोबेबली रैंडी ऑर्टन जो है वो क्लैश ऑफ चैंपियंस में एक बार कहीं फिर ना हार जाएं, जो कि हम नहीं चाहते ऐसा हो। उसके बाद गाइज इलायास आ जाते हैं बाहर अपनी परफॉर्मेंस के लिए और इस बार वो किंग ऑफ द रिंग की चेयर पे बैठ के अपनी परफॉर्मेंस करते हैं। केविन ओवेंस पीछे से आके उनको अटैक कर देते हैं और उसके बाद इलायास रिंग में पड़े होते हैं। आर्ट्रूथ आ जाते हैं रिंग में और वो पिन करने की कोशिश करते हैं इलायास को, लेकिन ड्रेक मैवरिक उनको रिंग से बाहर खींच के इलायास को पिन करके बन गए हैं नए 24/7 चैंपियन। तो फाइनली ऐसा लग रहा है कि वो अपनी मैरिज को कंज्यूमेट कर पाएंगे। उसके बाद चैड गेबल और शेल्टन बेंजामिन का हमें एक मैच देखने को मिला किंग ऑफ द रिंग राउंड 1 का और ये मुझे लग रहा है कि शो के डेड स्पॉट में था, क्राउड
क्राउड ज्यादा इसमें शोर नहीं मचा रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था वो काफी ज्यादा ऑलरेडी शोर मचा चुके हैं और क्राउड थक चुका था इस समय पे। लेकिन तब भी चैड गेबल और शेल्टन बेंजामिन ने हमें एक अच्छा मैच दिया और एंड में हमें देखने को मिलता है एक सनसेट फ्लिप पावर बॉम्ब। चैड गेबल लगाते हैं शेल्टन बेंजामिन पे और अपनी विक्ट्री हासिल कर लेते हैं, तो वो भी अगले राउंड में जो है बढ़ चुके हैं। और फिर फाइनली गाइस इस शो के मेन इवेंट में रोमन रेंस बाहर आते हैं और वो क्राउड से पूछते हैं कि क्या मुझे ब्रायन से अपॉलॉजी मांगनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि मैं देखता हूं कि ऐसा करना है या फिर नहीं, पहले आप लोग एक वीडियो देखो। और इस वीडियो में हमें देखने को मिलता है कि जब रोमन रेंस पर स्मैकडाउन लाइव में बैक स्टेज अटैक हुआ था तो एरिक रोवेन बैकग्राउंड में थे और क्लियरली पता लगता है कि उन्होंने अटैक करा है। अब एग्जैक्टली क्या है हमें उनका चेहरा नहीं देखने को मिलता, लेकिन डेफिनेटली ऐसा लगता है कि वो एरिक रोवेन ही है। उसके बाद डैनियल ब्रायन एरिक रोवेन से बैक स्टेज पूछते हैं कि ये क्या है, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने क्यों किया। और उसके बाद वो रिंग में आके रोमन रेंस को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन रोमन रेंस उनकी एक ना सुनते और उनको स्पीयर लगा दिया। तो अभी क्लैरिटी नहीं है कि किसने अटैक करा है, लेकिन लगता डेफिनेटली यही है कि डैनियल ब्रायन है रोमन रेंस के अटैकर और इन दोनों के बीच में हमें अब क्लैश ऑफ चैंपियंस में एक मैच देखने को मिलेगा। तो ये था पूरा स्मैकडाउन का शो, मैंने इसको काफी एंजॉय करा। जैसा कि मैंने कहा, ये बोरिंग नहीं लग रहा था जैसे कल कुछ मोमेंट्स में मुझे मंडे नाइट रॉ का शो लग रहा था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया गाइस इसे लाइक करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।